जीवात्मा के बंधन का कारण अविद्या को बताया गया, जिसको दुष्ट ज्ञान भी कहते हैं, विपर्य भी कहते हैं, मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। और अविद्या के कारण जीवात्मा बार बार जन्म लेता है, शरीरों को धारण करता है। मुक्ति की अवस्था में जीवात्मा में कोई अविद्या नहीं होती। मुक्ति का काल भोगने के बाद जब जीवात्मा पुनः संसार के अंदर आता है, पहले उसके अंदर अविद्या नहीं थी। संसार में आने के बाद संसार के विषयों को भोगता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो उसमें अविद्या उत्पन्न हो जाती है। तो अविद्या की उत्पत्ति का क्या कारण है, क्यों जीवात्मा में अविद्या उत्पन्न हो जाती है और ईश्वर में अविद्या क्यों उत्पन्न नहीं होती? तो जीवात्मा में अविद्या जो उत्पन्न होती है, उसका कारण वैशेषिक दर्शन के अंदर बताया है, इंद्रिय दोषात् संस्कार दोषात् च अविद्या। इंद्रियों के दोषों के कारण और संस्कारों के दोषों के कारण जीवात्मा के अंदर अविद्या उत्पन्न होती है। हमें जो इंद्रियां मिली हैं, उनका सामर्थ्य सीमित है। जैसे आंख को ले लीजिए, कम प्रकाश में हम ठीक ठीक नहीं देख पाते, इस कारण से वहां पर भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई रस्सी पड़ी है तो उसको हम सांप समझ लेंगे, ये देखने का सामर्थ्य हमारा सीमित है। और दूसरा, इंद्रियों के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण भी अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी को पीलिया रोग हो गया है तो उसको सब कुछ पीला ही पीला दिखाई देता है। ये एक उदाहरण दिया नेत्र इंद्रिय का। अब हमें ये इंद्रियां क्यों दी गई? क्योंकि हम जीवात्मा अल्प सामर्थ्य वाले हैं, हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से देखने की, सुनने की, बोलने की शक्ति है, लेकिन वो स्वाभाविक शक्ति इतनी कम है कि दूसरे साधन यदि ना दिए जाए तो वो काम नहीं कर सकते, उनसे हम देख सुन नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर उन शक्तियों को जो हमारे अंदर विद्यमान है, प्रकट करने के लिए, जागृत करने के लिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर देते। तो अल्प सामर्थ्य के कारण हमें इंद्रिया आदि प्राप्त होते हैं और इंद्रिय आदि के कारण फिर अविद्या उत्पन्न होती है। तो अल्प सामर्थ्य भी जीवात्मा की अविद्या का कारण मानना चाहिए। दूसरा है संस्कार दोषात्, संस्कारों के दोष के कारण भी जीवात्मा के अंदर अविद्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी के गलत कार्य करने के संस्कार है तो वो उनको ही अच्छा मानता है,
गलत कार्यों में ही उसकी रुचि होती है, उसमें ही उसकी श्रद्धा होती है। मुक्ति से जब जीवात्मा संसार के अंदर आता है और इंद्रियों के माध्यम से विषयों को भोगता है, खाता है, पीता है, उसमें वो सुख लेता है और वो ये मानता है कि ये जो पदार्थ है ये सुखदाई है, इनसे तृप्ति हो जाती है। एक बार उसने भोजन किया, तृप्त हो गया, फिर 4-5 घंटे के बाद दोबारा भूख लगी, दोबारा भोजन किया, दोबारा तृप्त हो गया। तो उसके अंदर क्या संस्कार पड़ते हैं कि ये संसार के पदार्थ तृप्त कर रहे हैं। स्वाभाविक ज्ञान उसको ये कहता है। तो ये जीवात्मा का जो अल्पज्ञता है, जीवात्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान यही कहता है कि संसार के जो पदार्थ हैं वो तृप्ति देने वाले, वो अधिक दूर तक नहीं विचार सकता। स्वाभाविक ज्ञान के कारण वो दूर तक विचार नहीं कर सकता, परंतु जब उसको नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर की ओर से वेद विद्या प्राप्त होती है और वो ये बताती है जब तक अग्रे विषम एवं परिणाम अमृतोपमा, जो जो पहले विष के समान है बाद में अमृत के समान होता है। स्वाभाविक ज्ञान से उसको पता नहीं लगता, स्वाभाविक ज्ञान में तो वो सबको अमृत के समान ही समझेगा, अथवा जिस कार्य में कठिनाई होगी उसको विष के समान ही समझेगा, वो दूर का विचार नहीं कर पाए, क्योंकि दूर का विचार करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, परीक्षण की आवश्यकता होती है। और वो नैमित्तिक ज्ञान जो होता है वो सिद्ध होता है, उसके माध्यम से विद्या प्राप्त हो जाती है। तो ये संस्कार दोष क्यों उत्पन्न हुए, गलत संस्कार पड़ रहे हैं, ये पदार्थ तृप्तिदायक है, ये पदार्थ तृप्तिदायक है, ये पदार्थ तृप्तिदायक है, और ये गलत संस्कार किस कारण से पड़ रहे हैं, अल्पज्ञता के कारण, स्वाभाविक ज्ञान के कारण। नैमित्तिक ज्ञान उसको नहीं मिला, नैमित्तिक ज्ञान मिलता तो उसको ठीक संस्कार पड़ते और ठीक संस्कारों के कारण विद्या उत्पन्न होती। तो अल्पज्ञता भी जीवात्मा की अविद्या का कारण। तो जीवात्मा के अंदर जो अविद्या उत्पन्न होती है उसका कारण जीवात्मा का अल्प सामर्थ्य भी है और जीवात्मा की अल्पज्ञता। अब दूसरी ओर हम ईश्वर को देखें, ईश्वर अल्प सामर्थ्य वाला नहीं है। ईश्वर को देखने सुनने के लिए नेत्रादि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, तो नेत्रादि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती तो इंद्रिय दोष भी नहीं आए, अपनी शक्तियों से देखता है, सुनता है। और परमेश्वर अल्पज्ञ भी नहीं है, सर्वज्ञ है उसका। परमेश्वर का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो तो सब पूर्वापर से युक्त है, सब जानता है ईश्वर आगे पीछे है। इस कारण से ईश्वर को संसार के पदार्थों के विषय में कोई अविद्या उत्पन्न नहीं, इस रूप में समझना।